अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है, जहां कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर राय शुमारी हो सकती है। बता दें कि आज रायपुर में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई आज राजीव भवन में DRO के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए सभी DRO की सूची तैयार हुई है। बता दें कि बैठक के बाद DRO की सूची सार्वजनिक की जाएगी। तो एक खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर राय शुमारी होगी। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं आकांक्षा का। आकांक्षा, रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर राय शुमारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आगामी समय में कांग्रेस का संगठन चुनाव होना है, चुनाव की तैयारियां प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। आज मूल रूप से हम देखें तो DRO और BRO की विशेष बैठक यहाँ पे होती नजर आएगी। इसे जो है प्रदेश निर्वाचन अधिकारी जो कि हुसैन उमर दलवाई राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, बीती शाम वे राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और इसके पश्चात अब जो बैठकों का दौर है यानी कि सिलसिला है बैठकों का DRO और BRO के मुख्य परिप्रेक्ष्य में, तो ये बैठक जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। आज से बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और संगठन चुनाव को लेकर के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे दलवाई चर्चा करते नजर आएंगे। बीते शाम वे राजधानी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनकी मुलाकात लगातार होती नजर आ रही है। सुबह 11 बजे भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं वो राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात करते नजर आ सकते हैं। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि राजधानी के राजीव भवन यानी कि कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम जो DRO है यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनके साथ ये बैठक होगी और इस बैठक के माध्यम से आगामी समय में निर्वाचन किस प्रकार से पूर्ण किया जाना है, कांग्रेस चुनाव को लेकर के संगठन चुनाव में जो तमाम प्रक्रिया होती है उसका निर्वहन करते हुए चुनाव को संपन्न कैसे किया जाना है, तमाम विषयों को लेकर के बैठक में चर्चा संभावित नजर आ रही है। जी बिल्कुल आकांक्षा, और ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां और क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आप हमारे साथ में बने रहिए।